हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त जरूर होंगे। उम्मीद तो गाइज मेरी यही होगी कि आप रोजाना की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे ही होंगे। तो आज जैसा कि सुबह का ब्लॉग घर से ही शूट किया जा रहा है, सो कई दिनों से ब्लॉग भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं अभी ब्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है, तो चलो अभी करते हैं ब्लॉग को रिकॉर्ड और आपको दिखाते हैं फिर आगे। अभी जो घर पर काम चल रहा है वो, और उसके बाद यहाँ की शाम के समय एक इवनिंग सफारी या घूमने की जगह, जैसे कि आपको पता है जिम कॉर्बेट है ही, तो उस जगह पर घूमने के लिए जाएंगे, तो शाम के समय आपको दिखाएंगे। बाकी अभी घर में काम चल रहा है तो आपको दिखाता हूँ एक बार घर में जो काम चल रहा है उससे। सो अभी आपको दिखाता हूँ अपने घर के आगे, जो कि हमारा नल था एकमात्र पानी का सोर्स, जिसने अभी पानी देना हमें बंद कर दिया था। सो अभी नहीं भी तो 3 से 4 दिन हो गए और कंटिन्यू खुदाई चल रही है गाइस, तो दिखाता हूँ आपको। अभी कुआं खोदा जा रहा है, इसी वजह से मैं कुछ दिनों से अपने कंटेंट भी आपको नहीं दिखा पा रहा था। सो घर में काम चल रहा है तो काम पे ही लगे हुए हैं, तो इसीलिए ब्लॉग नहीं बन पा रहे। सो आप देख सकते हैं अभी मेरे बैक साइड में यहाँ पे अभी काम चल रहा है हैंडपम्प का, जो खड्डा खोदा जा रहा है उसका काम। तो अभी काफ़ी मतलब डीप, अभी इस कुएं की जो गहराई है गाइस वो हो चुकी है। सो ये देखिए सामने यहाँ पे, मैं आपको फ़ोन के बैक कैमरे से दिखाता हूँ एक बार। तो अभी सामने ये हैं गणेश दा हमारे, जो कि इस कुएं के कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार, और ये इनके साथ में है प्रकाश दा, और नीचे एक बंदे गए हुए हैं जो कि अभी कुएं की खुदाई कर रहे हैं। सो कुछ इस तरह से अभी इस कुएं की खुदाई की जा रही है, नहीं भी तो अभी तक इसकी खुदाई हो चुकी है समथिंग 22-23 फीट की, तो कंटिन्यूस इस जगह पर अभी कुआं खोदा जा रहा है। सो ये लगी है एक पुल्ली जिस पे कि घिर्री लगी हुई है, और ये लेकर आ रही कुछ इस तरह से इस मिट्टी की भरी हुई बाल्टी को। देखिए अभी इसमें नमी आने लगी है, और सामने इस तरह से बाल्टी आ रही है, और फिर सामने इस जगह इस मिट्टी को बाहर की तरफ फेंका जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं, अभी काफ़ी दिनों से नल से पानी नहीं आ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आपको पता ही है गाँव में इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं, और ना ही यहाँ पे किसी तरह की कोई गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ है, तो इसलिए जो अपनी नीड है पानी की उसे पूरा करने के लिए इस तरह से कुआं खोद करके फिर इस नल को असेंबल करके फिर पानी निकाला जाता है गाइस। सो कुछ ये काम चल रहा है अभी घर पर, जिस वजह से थोड़ी कंटेंट आपको नहीं देखने को मिल रहे है। तो यही है मेरे गाँव सुंदरखाल की अपडेट, जो कि सभी गांव वालों के साथ में ये चीज़ें हैं, बट इस कुएं को खोदने में भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ जाता है, तो इसलिए सभी लोगों के पास नल भी नहीं है, बट जिन लोगों के पास में नल है तो वो लोग पानी इजीली ले पाते हैं, बट अगर पानी नहीं आ पाया तो फिर इस तरह की कंडीशन होती है। तो यही चीज़ें हैं, अभी मेरे गाँव में काफ़ी सारे ऐसे घर हैं जिनमें कि नल नहीं है, जो दूसरों के घरों से पानी लेकर आते हैं, तो ये समस्या है यहाँ पर। इलेक्ट्रिसिटी के साथ में पानी भी, मतलब कुछ भी कहें आप, गांव में किसी तरह की कोई फैसिलिटीज़ है नहीं। तो ये चीज़ें हैं, रात को वाइल्ड एनिमल्स का खतरा, और अपनी बेसिक ज़रूरतों के लिए पानी तक के लिए गाँव वालों को मैं कहूँगा कि हाँ काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो कि अभी नहीं भी तो 3 या 4 दिन से मैं भी इस पानी की दिक्कत का सामना कर रहा था। तो अभी फाइनली कुआं 24 या 22 23 फीट की गहराई तक जा चुका है, देखो कितना टाइम और लगता है इसमें। मैं स्टार्टिंग में आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि काम कर रहे थे हम भी, तो इसीलिए चीज़ों को नहीं दिखा पाया था। तो जब ये कुआं फाइनली हो जाएगा कंप्लीट तो आपको फिर दिखाऊंगा मैं इसे, क्योंकि अभी इसमें टाइम लगेगा। और बाकी जो भी
दिन भर की अपडेट होगी मेरे गांव से या जिम कॉर्बेट से, वो आपको देने की कोशिश की जाएगी इस कंटेंट में ही। किसी तरह की भी कोई भी अपडेट गांव से अगर मैं दे पाऊँ तो उसको देने की मेरी पूरी कोशिश होगी। तो मिलते हैं आपको आगे कंटेंट में गाइस। तो चलो अभी चलते हैं प्लांट के आउटसाइड में, ज़्यादा दूर जाऊंगा नहीं क्योंकि अभी दिव्यांश भी साथ में है, तो मतलब जंगल की तरफ मूव कर पाना आज पॉसिबल होगा नहीं क्योंकि बच्चों को लेकर जंगल में मैं नहीं जा सकता। अगर सिंगल हूँ तो ही मैं उस जगह तक जा पाऊँगा, बट अभी प्लांट के बाहर की तरफ चलते हैं और देखते हैं उस जगह से किस तरह की वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। तो उम्मीद है कि आप ज़रूर कंटेंट में बने रहेंगे। अभी हम लोग आ चुके हैं प्लांट की बाहर की तरफ, सामने ये है प्लांट। तो इस जगह से अभी हमें जो वाइल्ड लाइफ है वो देखने को मिल सकती है, साथ ही इस जगह से कॉल भी होती है। तो अभी कुछ देर इस जगह पे रुकते हैं और देखते हैं सामने अभी किस तरह का माहौल इस जगह से बनता है। तो अभी यहाँ पे रुके हुए हैं हम लोग, तो सुनाते हैं आज आपको यहाँ से जो पिकॉक कॉल होती है उसे, और अगर हुआ तो वाइल्ड लाइफ भी आपको दिखाई जा सकती है। तो थोड़ी देर बनते हैं इस जगह पर और फिर। तो गाइज अभी फ़ोन का बैक कैमरा ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ की खूबसूरती फॉरेस्ट की, है ना। तो आप ज़रूर देखें इस खूबसूरती को जो शाम के समय यहाँ से देखने को मिलती है। तो कर लेता हूँ फ़ोन का बैक कैमरा ऑन। सामने यह है यहाँ का जंगल जो कि बेहद ही सुंदर है, और ये फॉरेस्ट पूरी तरह से साल का है, देख रहे हैं एकदम स्ट्रेट और लंबे पेड़ हैं इस जगह पर जिनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। तो ये नज़ारा है अभी शाम के समय इस जगह से, और जैसा कि ये मेरे सामने प्लांट है जो कि पनौत का बड़ा नाला, और आप कह सकते हैं जो धनगढ़ी है उस जगह पर जो ब्रिज फ्लाईओवर का काम चल रहा है गाइस, तो उसके लिए इस प्लान को इस जगह पर इंस्टॉल किया गया है। तो यहीं से जितना भी मटेरियल है उस जगह तक जाता है और फिर वहाँ पर होता है कंस्ट्रक्शन वर्क। और सामने मेरे आपको दिखाऊँ तो मैं इस जगह पर ये देखिए एक साइन बोर्ड लगा हुआ है। तो अभी काफ़ी दूरी पर है मुझसे, ये थोड़ी जूम नहीं हो पा रहा है। वन्य क्षेत्र इस जगह पर लिखा हुआ है, तो इस जगह पर आप देख पा रहे होंगे स्पॉटेड डियर, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, ये सभी एनिमल्स इस जगह पे इस साइन बोर्ड के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहे हैं कि ये क्रॉसिंग पॉइंट है इस जगह पे जहाँ से कि वाइल्ड लाइफ अक्सर क्रॉस करती है। तो इस जगह पर सामने जैसा कि ये जगह है, ये ट्री है, इस ट्री के पास में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में एक बार दिखाया था कि यहाँ पर टाइगर के पग मार्क भी देखे जाते हैं। तो ये जगह है जहाँ से टाइगर भी क्रॉस करता है अंदर रिवर की साइड। तो अभी शाम का ये सुंदर नज़ारा इस जगह से बना हुआ है, और इस जगह पे आने का जो मतलब है वो यही है कि सामने आप देख पा रहे हैं ये सूखे से आपको पेड़ नज़र आ रहे हैं, ये सेमल के पेड़ है, और इधर भी सेमल का पेड़ है, फिर आगे की तरफ भी सेमल के पेड़ है। तो इस जगह पर बैठता है शाम को पिकॉक, और पिकॉक ही इस जगह से जो कॉल करता है, मतलब वाइल्ड लाइफ को अलर्ट कॉल होती है उसकी पिकॉक की। वो जब ही कॉल करता है जब उस जगह पर उसे महसूस होता है कि हाँ या तो टाइगर उस जगह से जा रहा है या कि लेपर्ड, तो जब जाकर वो अलर्ट कॉल करता है डियर्स के लिए। तो अभी कुछ देर पहले इस जगह से कॉल हो रही थी, तो उसी कॉल को सुनते हुए मैं इस जगह पर आया। मुझे लगा कि हाँ अभी इस जगह पर जाना चाहिए, अगर हो सके तो वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिल सकती है और पिकॉक कॉल तो होगी ही होगी। सो इसी उम्मीद के साथ में अभी इस जगह पर आए हैं और अभी बनते हैं इस जगह पर कुछ देर के लिए। फिर अगर इस जगह से कुछ हलचल नहीं हुई तो फिर आपको रात के समय गाँव में किस तरह की हलचल या किस तरह की कॉल वाइल्ड लाइफ की हो रही है वो दिखाई जाएगी, क्योंकि आजकल गांव में अक्सर आए दिन कॉल हो रही है काफ़ी ज़ोरदार, और ऐसा महसूस हो रहा है कि गांव के बाहर की क्षेत्र में टाइगर स्पॉटेड डियर्स को फॉलो करते हुए
आ रहा है गांव की तरफ। तो यही चीज़ें हैं अभी शाम के समय। तो थोड़ी देर वेट करते हैं गाइस, और उम्मीद है कि आप ज़रूर कंटेंट में बने रहेंगे। तो गाइस सामने की ओर से अभी पिकॉक आवाज़ करने लगा है, दो बार तो बोल चुका है, और देखते हैं आगे बोलता है या नहीं। तो गाइस अभी फाइनली आ चुका हूँ वापस गांव के आखिरी छोर की तरफ, क्योंकि उस जगह से एनिमल्स की क्रॉसिंग भी एक बारी देखने को मिली, और जो पिकॉक कॉल हो रही थी वो भी रुक गई थी। सो फिर मुझे लगा थोड़ी गांव के आउटसाइड जाना चाहिए, और आउटसाइड से अगर कुछ देखने को मिला तो वो चीज़ें आप लोगों तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचनी चाहिए। तो इसीलिए अभी मैं इस जगह पर आ गया हूँ, और इस जगह पर भी थोड़ी देर रुकता हूँ। अगर यहाँ से कुछ भी एक्टिविटी होती है वाइल्ड लाइफ की तो वो देखते हैं। बाकी सामने की तरफ से उस जगह से जहाँ पे कि मैं गया हुआ था, तो उस जगह पे अभी पिकॉक कॉल कर रहा है, बट कभी कभी कर रहा है, कंटिन्यूसली कॉलिंग नहीं हो रही गाइस। तो अभी कॉल हो रही है, तो थोड़ी देर रुकते हैं इस जगह पर। अगर यहाँ से भी कोई हलचल या एक्टिविटी नहीं हुई तो फिर रात के समय आपको दिखाते हैं गाँव में किस तरह का माहौल हो रहा है रात के समय आजकल, तो वो चीज़ें देखेंगे आप लोग, है ना। तो थोड़ी देर रुकते हैं इस जगह पर गाइस। तो गाइस अभी काफ़ी देर से इस जगह पे रुका हुआ हूँ, तो अभी आप चेक कर सकते हैं, पहले कम अंधेरा था, अभी कुछ ज़्यादा अंधेरा हो गया है। तो चलो अभी इस जगह से भी चलते हैं वापस, क्योंकि इस जगह से भी अभी एनिमल्स की जो एक्टिविटी है वो देखने को नहीं मिली है। तो चलो अभी चलते हैं घर की तरफ, और फिर रात के समय ही जो भी चीज़ें होंगी गांव से वो आपको दिखाई जाएंगी। सो उम्मीद है कि आप कंटेंट में बने रहेंगे। इस जगह से ना कुछ बोल रहा है, मगर बोल क्या रहा है समझ नहीं आ रहा है। छोटी सी आवाज़ आ रही है, मगर आ रही है। कभी कभी बोल रहा है गाइस। सो अभी गाड़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं इस जगह पर, और साउंड सामने इस जगह से अंदर की तरफ फॉरेस्ट से आ रही है। सो गाइस अभी इस जगह से हो रही है कॉलिंग, और जो कि काफ़ी ज़ोरदार हो रही है, और कर रहे हैं स्पॉटेड डियर कॉल, जैसा कि सामने की तरफ से इस जगह से कॉल हो रही है गाइस, कंटिन्यूसली कॉलिंग हो रही है। तो अभी टाइम जैसा कि रात के 10 बज चुके हैं, तो अभी मैं तो जा रहा हूँ अपने कमरे की तरफ, बट हाँ कॉलिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है अभी, काफ़ी ज़्यादा। बाकी आप चेक कर सकते हैं इस जगह पर अभी गाड़ी भी चल रही है, और उसके बावजूद सामने घर के बैक साइड फॉरेस्ट से कॉल हो रही है। आप सुन पा रहे होंगे अभी स्पॉटेड डियर की साउंड, और मेरा जैक भी भौंक रहा है, क्योंकि उसे भी अंदाज़ा हो चुका है अभी आसपास में एनिमल्स हैं, तो इसीलिए अभी डॉग भी भौंक रहा है, देख रहे हैं। अभी घर के चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा आप कह सकते हैं, तो इसलिए इस जगह पर ज़्यादा देर बाहर रहना समझदारी नहीं। तो अभी फाइनली इस कॉलिंग के अकॉर्डिंग तो मुझे लग रहा है कि अभी अंदर जाना चाहिए, तो थोड़ा बहुत आपको एक कॉल सुनाने के लिए मैं बाहर की तरफ आ गया था, तो अब मैं जा रहा हूँ गाइस अंदर। तो गाइस अभी आ चुका हूँ मैं अपने घर के अंदर, उसके बावजूद भी अभी आपको कॉल की आवाज़ सुनने को मिल रही होगी। तो फाइनली घर के अंदर आने का रीज़न कॉल हो रही है बहुत ज़ोरदार, तो बाहर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं, तो इसलिए अंदर आ चुका हूँ। तो करते हैं अभी इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त, जब तक के लिए बाय बाय गाइस।